viewers, my name is Vibhav and welcome to another new episode of City Skylines. And guys, as you can see, अभी आपको हमारी सिटी बहुत ज़्यादा एकदम प्यारी मक्खन की तरह दिखाई दे रही होगी बिकॉज मैंने इस गेम के अंदर दो तीन मोड्स पैक को इंस्टॉल करा है. दैट्स वाई रोड्स की वगैरह क्लैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. और अभी आपको मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ. जस्ट लुक एट दिस भाई, बहुत प्यारी लग रही है यार अभी. बिकॉज इस गेम पे मैंने एक थीम मैप इंस्टॉल करा है जिससे कि इस गेम की पूरी जो लुक है वो पूरी चेंज हो चुकी है. एंड गाइस, सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अभी मैं स्ट्रीट्स के फुल्ली व्यूज़ को एक्सेस कर सकता हूँ. देखो भाई, ये कितना प्यारा लग रहा है. अगर मुझे इस स्ट्रीट में जाना है तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ. अगर मुझे किसी घर का लुक लेना है तो मैं इसको ले सकता हूँ. एंड भाई, ये पूरी तरीके से ना कार्टून की तरह लग रहा है. मतलब जो कार्टून में जो हाउसेस होते हैं ना, वो एग्जैक्टली ऐसे ही होते हैं. कार्टून नहीं बोल सकते हम इसको, रियल लाइफ से भी कंपेयर कर सकते हैं. एकदम रियलिस्टिक ये वाला डेटा पैक या मोड पैक, शेडर पैक, इसको जो भी हम बोलेंगे वो है. और स्ट्रीट का भी ऐसे पूरा व्यू काफ़ी अच्छा आता है. तो ये मैंने ऑफलाइन करा था, थोड़े बहुत चेंजेस करे थे गेम से रिलेटेड. बाकी मैंने कुछ इस गेम में चेंज करा नहीं है. सो अभी जल्दी से गेम को शुरू करते हैं गाइज. आज डेट है 8/8/2034 और लेट्स स्टार्ट द गेम. गेम तो शुरू हो चुका है एंड लेट्स टॉक अबाउट टुडेज वीडियो. तो आज की वीडियो के लिए मैंने सोचा है सबसे पहले हम इंडस्ट्रीज के ऊपर ध्यान देंगे. यहाँ पे जो ये मिनरल्स के एंड ओर्स की जो कमी पड़ रही है, इनके लिए मैंने थोड़ा सा गूगल पे सर्च करा था कि मुझे एक्चुअल में क्या करना चाहिए. तो इस गेम के अंदर गाइज हमको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स बनाने होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल स्पेशलाइजेशन, मतलब कौन सी इंडस्ट्री से कौन सी चीज़ आएगी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक ओर इंडस्ट्री है. तो हम एक अलग सा स्पेस बनाएंगे जहाँ पर बस ओर बनेगा, और वो वाला ओर जहाँ पर भी रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये लोग पहुँचा देंगे. ये वाला पूरा का पूरा एरिया हम इसको ओर स्पेशलाइजेशन कर देंगे. तो ये वाला पूरा डिस्ट्रिक्ट हमारा ओर डिस्ट्रिक्ट रहेगा. इसको मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है एंड इसका हम नाम देंगे ओर, ताकि मुझे पता चले कहाँ पे ओर बन रहा है. ओ आर ई, ठीक है. ओवर मैंने इसको मतलब नॉर्मली वही नाम दे दिया मैंने ओवर. तो यहाँ पे सब कुछ ओवर प्रोड्यूस होगा. तो यहाँ पे जो नॉर्मल फैक्ट्रीज है वो मैं भी यहाँ से ना हट जाएगी सब मुझे लग रहा है. सो लेट्स सी, अभी मैं जल्दी से मार्क कर देता हूँ ओवर वाला. ये आ गया ओवर इंडस्ट्रीज. देखो मैंने इसको आई थिंक मार्क कर दिया है. मैंने मार्क कर दिया है गाइज. एंड देखो इंडस्ट्रीज हटना यहाँ से शुरू होगी. मतलब जो पुरानी वाली इंडस्ट्रीज है ना, जो ओवर प्रोड्यूस नहीं करती, वो यहाँ से सारी की सारी चले जाएंगी. एंड यहाँ पे बस वही इंडस्ट्रीज आएगी जो ओवर प्रोड्यूस करती है. सारी फैक्ट्रीज गाइस यहाँ से हट चुकी है. और अभी आई थिंक नई फैक्ट्रीज बनेगी, वो लोग यहाँ पे ओवर प्रोड्यूस करेंगे. या जो फैक्ट्रीज ओवर पहले से प्रोड्यूस कर रही है बस वही यहाँ पे रहेगी. बाकी यहाँ पे कोई रहने नहीं वाला है. तो मैं भी इन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. अभी एक बार अपनी होली सिटी के ऊपर भी ध्यान देते हैं. यहाँ पे क्या इशू हो रहा है? गार्बेज हैज फिल्ड अप. ओह, गार्बेज डंप का इशू आ रहा है. वेट वेट वेट, सो वी नीड टू मैनेज गार्बेज डंप. के लिए मुझे ये गार्बेज रिफाइनर या जो भी होता है इसको यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है. तो ये आई थिंक सॉल्व हो जाएगा. या मुझे एक और गार्बेज डंप लगाना चाहिए. यार गार्बेज डंप यार सिटी में अच्छा नहीं लगता है ना. एक काम करते हैं, एक और गार्बेज डंप में यहाँ पे लगा देता हूँ. यहाँ पे सारा का सारा गार्बेज कलेक्ट होगा फिर. ओके, अभी यहाँ से गाड़ियाँ निकलना शुरू हो चुकी है. तो मे बी होली सिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. एंड दूसरी चीज़ ये है गाइज, जो हमारा फेरी टर्मिनल है, आई मीन इसको क्या बोलते हैं, कार्गो हार्बर है, इसको भी हमको ठीक से कनेक्शन करना पड़ेगा यार, क्योंकि एक ही रोड से सारी गाड़ियाँ जा रही है. तो मैं सोच रहा हूँ कि आज हम थोड़े से जो ट्रेन स्टेशन होते हैं ना वो भी बनाएंगे कार्गो हार्बर वाले, ताकि ये सारा का सारा कार्गो यहाँ पे लोड होगा एंड ये जो ट्रेन है वो सिटी के अंदर इसको पहुँचा देगी. तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ट्रेन स्टेशन बनाना पड़ेगा. लास्ट टाइम हमने यहाँ पे एक ट्रेन स्टेशन बनाया था, बट ये बस यहाँ से इसी को लाइन को कनेक्ट करता है. यहाँ से बस गाड़ियाँ यहाँ पे आती है. ये कौन सी फैक्ट्री है? यूरेनियम फैक्ट्री. ओके, अभी धीरे धीरे लोग गाइस यहाँ पे फैक्ट्रीज भी बना रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है. तो सिटी का ओर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. या ज़्यादा हो रहा है अभी, मे बी ओर का प्रॉब्लम ना धीरे धीरे कम हो रहा है मे बी. एंड इनको कैश हो रहा है, नॉट इनफ वर्कर्स. ओ वेट 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 वेट, हमको थोड़ा सा भाई मतलब रेजिडेंशियल जोन्स का डिमांड बढ़ रहा है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा रेजिडेंशियल जोन बनाना पड़ेगा. परफेक्ट, ये हमारा दूसरा गाइस टाउन बनने वाला है. और इसका स्ट्रक्चर कोई अलग सा बनाते हैं फिर, ऐसा कर्व वगैरह चाहिए ना. इसको ना मैं थोड़ा सा अलग शेप देने की कोशिश करने वाला हूँ, यूनिक ज़रा सा, ठीक है. ये यहाँ पे आएगा ऐसे, देन यहाँ से एंड कनेक्ट ओवर हेयर. ओके, एक अलग सा मैंने शेप बना दिया है. बट ये बहुत वियर्ड लग रहा है भाई. अभी बस मुझे इस मेन रोड को यहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा एंड देन हम यहाँ पे जोन्स बनाएंगे. ओके, ये कर्व बन गया है. हाँ, ओ भाई ये घर की तरह लग रहा है, एक बैग, कैरी बैग की तरह. ये कैरी बैग, हाँ इसको हम कैरी बैग सिटी बुलाएंगे. नाम देने में भाई मैं स्मार्ट हूँ, ठीक है. अजीब अजीब से नाम देता हूँ मैं. अभी बस हमको यहाँ पे जोन्स को मार्क करना है. एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे कुछ और बनाना चाहिए. वेट वेट वेट, लेट मी ट्राई समथिंग यूनिक, ठीक है. कुछ अलग बनाने की कोशिश करते हैं. ये कौन सा है? फ्री फॉर्म रोड. फ्री फॉर्म मतलब हम ऐसे कहीं पे भी कुछ कर सकते हैं. ओके ओके, वेट वेट वेट, तो यहाँ पे एक सर्कल बनेगा ऐसे.
देन यहाँ पे ऐसे, ये यहाँ से ऐसे, हाँ अजीब लग रहा है बहुत ज़्यादा। एनीवेज ये हमारी अंदर वाली सिटी रहेगी और ये बाहर वाली, ठीक है भाई। अजीब अजीब से मैं चीज़ें यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। एनीवेज यहाँ पे मैंने एक अलग सा गाइस शेप बना दिया है रैंडम, एंड अभी बस इस रोड्स को मुझे मेन हाईवे से कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि लोग इस सिटी से दूसरी सिटी में आ सके, और इसको कनेक्ट करने के लिए हम बड़ा सा हाईवे यूज़ करेंगे। तो ये आएगा यहाँ पे ऐसे, परफेक्ट कनेक्ट हो जा भाई। एक सेकेंड, नॉर्मल रोड बनाना है हमको स्ट्रेट लाइन में, या ये यहाँ से यहाँ पे आएगा परफेक्ट टू। एंड देन मुझे अभी बस इस मेन रोड से भी कनेक्ट करना है इस रोड को। यहाँ पे एक हाईवे है तो हाईवे से कनेक्ट नहीं हो सकता, बीच में रोड है ओके, बट इससे तो कनेक्ट हो सकता ना। हाँ अभी लोग यहाँ से इस सिटी में भी आ सकते हैं, और यहाँ से यहाँ पे भी आने के लिए एक रोड चाहिए। चारों तरफ ये रोड कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ताकि चारों तरफ से लोग अंदर बाहर आ सके सिटी से, जस्ट लाइक दिस। यहाँ से यहाँ पे आएगा ओके गाइस, अजीब सा मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है, बट ये अजीब ही अच्छा लगता है। रैंडमली हमारी ये रैंडम सिटी रहेगी, या प्लास्टिक बैग देखते हुए, इसका नाम तो अभी मैंने सोचा नहीं है, हम बाद में देंगे। और अभी बस हमको यहाँ पे जोन्स को मार्क करना है, रेजिडेंशियल जोन्स मार्क कर दिए, कमर्शियल मार्क कर दिए, और ये वाला जो एरिया है वहाँ पे मैं थोड़ी सी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाने की सोच रहा हूँ। हाईली डेंसिटी रेजिडेंशियल जोन हम इसको बोलेंगे, ठीक है, RCTY रैंडम सिटी गाइस, मैंने इस सिटी को नाम दे दिया है और यहाँ पे ये आ चुका है। और अभी इन लोगों को पानी का कनेक्शन चाहिए जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। अभी इनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, वेट, इलेक्ट्रिसिटी में कुछ नया अनलॉक हुआ है क्या यहाँ पे, मुझे देखना पड़ेगा। ये क्या चीज़ है, ओ न्यूक्लियर पावर प्लांट, वाओ ओके, इससे वैसे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेट मी सी। ओ भाई पावर आउटपुट 640 ओके, काफ़ी अच्छी ये प्रोड्यूस कर रही है पावर एनर्जी हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो मुझे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना चाहिए फिर हमारी रैंडम सिटी के लिए। इस सिटी के लिए हम अलग बनाएंगे, ठीक है, पूरा का पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट हम रैंडम सिटी के लिए बिल्ड करेंगे, जो कि इस सिटी से थोड़ा सा दूर होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ होगी, देन लोग डिस्टर्ब होंगे, ठीक है, और वो चीज़ मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो हम यहाँ पे रैंडम सिटी के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट गाइस बनाने वाले, एक सेकेंड नॉर्मल रोड बनाते हैं भाई यहाँ पे, ये रोड यहाँ पे आएगा ऐसे, एंड देन यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लेके नदी के किनारे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे। यहाँ पे गाइस न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हैं, एंड देखो यहाँ पे बनेगा गाइस हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। $2,00,000 दिए मैंने इसके लिए, यूरोज, ठीक है। ऑपरेटिंग नॉर्मली, पावर आउटपुट 794, अब ये बढ़ गया पावर आउटपुट इसका, एक सेकेंड, नॉट इनफ वाटर, इसको भाई पानी की ज़रूरत है, या न्यूक्लियर पावर प्लांट को पानी की ज़रूरत होती है, इसको पानी का कनेक्शन देते हैं भाई। ओके न्यूक्लियर पावर प्लांट गाइस हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया है, काफ़ी ज़्यादा ओपी लग रही है। अभी बस इससे यहाँ पे लाइट को ट्रांसपोर्ट करना है हमको, लाइट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यार यहाँ पे कोई घर बनाओ ताकि लाइट का कनेक्शन आ सके। एनीवेज ओके, इन लोगों का लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट बना दिया भाई मैंने स्पेशली रैंडम सिटी के लिए, और ये जो एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे बनाया था इसको हटा देते हैं, ठीक है। लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिए, और फैक्ट्रीज वाले वर्कर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या, यहाँ पे मैंने ओर्स की फैक्ट्रीज बनाई थी, कौन सी बनी अभी, कॉपर कंपनी, देखा गाइज अलग अलग यहाँ पे बस फैक्ट्रीज बनना शुरू कर दी है। यहाँ पे बस लोगों ने जो ओवर वाली फैक्ट्रीज होती है उनको लगाना शुरू कर दिया है। यहाँ पे थोड़ी सी इंडस्ट्रीज अबैंडेड हो रही है, जो अबैंडेड इंडस्ट्रीज है गाइज उनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज लोग छोड़ के जा रहे भाई, पता नहीं क्यों, मैं इतनी अच्छी सर्विस दे रहा हूँ फिर भी, मे बी वो इश्यू की वजह से रॉ मटेरियल्स वगैरह लोगों को नहीं मिल रहे, बट अभी धीरे धीरे गाइज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी, रॉ मटेरियल्स यहाँ पे आ जाएंगे। और मुझे गाइज ऐसा लग रहा है कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ना वो ये शिप्स लेके आती है, कार्गो हार्बर यहाँ पे होता है सब कुछ, अनलोड लोड, तो ये मुझे इंडस्ट्रियल एरियाज के पास ही बनाना चाहिए, इसी के पीछे मैं सोच रहा हूँ इसी के पीछे ना ये बना दूँ। वेट एक काम करता हूँ, ये सबसे पहले यहाँ के सारे ये हटा देता हूँ मैं, पावर कनेक्शंस यहाँ पे भी तो बन सकता है ये, तो दो दो कार्गो हार्बर्स रहेंगे हमारे, या वेट मैं इसी वाले को इधर शिफ्ट कर दूँ क्या, फिर एक काम करते हैं इसी वाले कार्गो हार्बर को मैं शिफ्ट कर देता हूँ गाइस, हाँ इसी वाले को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी ट्रैफिक हो रहा है ना, तो ये परफेक्ट है। ओके यहाँ पे मैंने कार्गो हार्बर बना दिया है, तो वो वाली शिप्स यहाँ पे आएंगे अभी मेरे हिसाब से। पीछे वाला जो पुल है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये बंद हो जाए यहाँ पे, ये सारा का सारा पानी इधर से ही साइड में जाएगा, यहाँ से जाएगा, ज़्यादा बस इशू नहीं होना चाहिए, नहीं तो भाई फिर से बाढ़ आ जाएगी। ओके अभी मैंने इस वाटर को भी इस तरफ साइड कर दिया है। सबसे पहले काम करता है इसको ना मैं 6-lane highway से सबसे पहले कनेक्ट कर देता हूँ, ये रहा 6-lane highway, यहाँ पे ये ऐसे कनेक्ट होगा दोनों तरफ इसके, ओके एंड यहाँ से हाईवे आएगा, ठीक है, इसको भी मैं सामने ऐसे बना देता हूँ ताकि गाड़ियाँ दोनों तरफ जा सके। ये हमारा यहाँ पे स्क्वायर बन गया, ओके एंड अभी बस मुझे यहाँ पे हाईवे लगाना है, वन वे वाले हाईवे, जो कि ये वाले रहेंगे, या ये वाला हाईवे आएगा, ये वन वे इस तरफ आएगा,
परफेक्ट एंड यहाँ से गाड़ियाँ इधर आएंगी, दूसरा वाला हाईवे, वेट यहाँ से इधर आएगा ये। हाँ अभी इजी हो जाएगा, मतलब गाड़ियाँ भी यहाँ से ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर पाएंगी। दैट्स टू परफेक्ट। एंड अभी यहाँ से इंडस्ट्रीज में भी सामान इधर उधर जा पाएगा, और यहाँ यहाँ से भी अभी गाड़ियाँ जा सकती ना, ये हमारा मेन हाईवे, तो यहाँ से सिटी में लोग एंटर कर पाएंगे। कार्गो के लिए गाइस मैंने यहाँ पे ट्रेन टर्मिनल लगा दिया है, बस अभी मुझे ट्रेन स्टेशन से इस कार्गो टर्मिनल को कनेक्ट करना पड़ेगा, और हमारी सारी की सारी इंडस्ट्रीज इस तरफ है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे एक ट्रेन स्टेशन बनाना चाहिए। यहाँ पे बन सकता है इजीली ट्रेन स्टेशन, यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी जगह भी है, सो लेट्स मेक अ ट्रेन स्टेशन ओवर हेयर। यहाँ पे बन सकता है क्या? हाँ यहाँ पे बन सकता है ट्रेन स्टेशन, लेट्स मेक इट देन ओवर हेयर। ओके यहाँ पे मैंने एक ट्रेन स्टेशन बना दिया है, अभी बस मुझे इसको वहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा इस कार्गो टर्मिनल से। बट ये कनेक्ट हम कर पाएंगे क्या, लेट मी सी, ट्राई करके देखते हैं। ट्रेन यार बीच में रोड आ रहा है यार, नहीं एक सेकेंड, मुझे ना इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं पे जगह है क्या? रोड के साइड में यार बनाना चाहता था मैं इसको, यहाँ पे बन जाता बट ये हाईवे के साइड में है। एक सेकेंड, एक काम करता हूँ, ये वाला जो हाईवे है इसको मैं अभी के लिए यहाँ से हटा देता हूँ, एंड यहाँ पे हम नॉर्मल रोड बनाएंगे, ठीक है। ये वाला हाईवे इधर से इधर कनेक्ट होगा। हाँ अभी देखो, अभी हाईवेज भी मैंने बना दिए और यहाँ पे भी हमारा ट्रेन स्टेशन बनेगा। ट्रेन स्टेशन के लिए 6 लेन रोड बनाते हैं यहाँ पे नॉर्मल। ये बन गया 6 लेन रोड, एंड अभी यहाँ से ही हट जाएगा, यहाँ पे बन जाए। हाँ लेट्स गो, बना दिया यहाँ पे ट्रेन स्टेशन, तो यहाँ से हम इसको वहाँ तक कनेक्ट कर सकते हैं ईजिली। भाई पानी के नीचे क्यों नहीं जा रहा है? आई डोंट नो वाई। ओ आ रहा है, एक सेकेंड, ओ ब्रिज बनाना, ओके ओके ओके, ऊपर से ले जाना पड़ेगा मुझे इसको। कोई बात नहीं, ऊपर से ले जाना है तो ऊपर से ले जाएंगे। ये ब्रिज आएगा यहाँ से, थोड़ा सा इसको पेज अप करना पड़ेगा ताकि बड़ा ब्रिज बने, क्योंकि यहाँ से शिप्स वगैरह भी पास होने वाली है। ओके बड़ा बन गया ब्रिज, अभी यहाँ से छोटा आएगा इसे। नाइस लेट्स गो। ओके गाइज कनेक्ट तो कर दिया मैंने, एंड ये नॉर्मली ऑपरेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। देन एक बार रैंडम सिटी के ऊपर भी ध्यान देते हैं, यहाँ पे क्या इशू हो रहा है? क्राइम रेट इज हाई, यहाँ पे लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। ओ वेट गाइज, हमको रैंडम सिटी में भी थोड़े से हॉस्पिटल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, तो एक मेडिकल क्लिनिक में यहाँ पे छोटा सा बना देता हूँ ताकि लोग यहाँ पे खुश हो जाए। देन मुझे यहाँ पे एक सेमेट्री भी बनानी पड़ेगी जहाँ पे लोगों को दफनाया जाएगा, ये यहाँ पे रहेगा। ओके एंड देन एजुकेशन के लिए भी हमको यहाँ पे स्कूल बनाना पड़ेगा, छोटा सा एलिमेंट्री स्कूल। ये आ गया इनके लिए एलिमेंट्री स्कूल, परफेक्ट। तो इनके लिए मैंने सारे के सारे इशू आई थिंक सॉल्व कर दिए, यहाँ पे भी लोग खुश हो जाएंगे। बट अभी सबसे मेन हमारा इशू ये है कि यहाँ पे कार्गो हार्बर पे बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है, और यहाँ से कार्गो लोड होके मेन सिटी के अंदर जा रहा है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पे देन भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ना बहुत जाम हो जाएगा। देखा सारी गाड़ियाँ इधर से, देखा भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियों का जाम लग रहा है, तो मुझे मेन सिटी के लिए यहाँ पे एक रोड बनाना पड़ेगा ताकि ये सारी गाड़ियाँ इधर आ सके, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक अंडरग्राउंड रोड बनाना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे आएगा, देन पेज डाउन। ओके पेज डाउन हो गया ये, लेट्स गो। और अभी मुझे इसको कार्गो हार्बर के पास लेके आना है, ये हमारा वन वे रूट रहेगा। ओके लेट्स गो, देन यहाँ से ये इधर, एंड अभी मेन रोड से कनेक्ट हो जाएगा। ओके हो गया, लेट्स गो। अभी गाड़ियाँ कहाँ से किधर आएंगी? अभी गाड़ियाँ इधर से यहाँ पे आने वाली है, बट यहाँ से भी उधर भी तो जानी चाहिए ना, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं वो भी बना देता हूँ यहाँ पे, वो बनाने के लिए वी नीड टू मेक रोड ओवर हेयर यहाँ पे। ओके एंड देन अंडरग्राउंड, यार यहाँ पे पेज डाउन ही नहीं हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। ओके ये वाला रोड पेज डाउन हो रहा है, ओके पेज डाउन हो गया गाइस, लेट्स गो। अभी सीधा ये यहाँ पे आएगा। गाइस फाइनली मैंने यहाँ पे जो कनेक्शन है वो कर दिया है, यहाँ से जो हमारा वन वे हाईवे आ रहा है वो मैंने ये बीच वाले हाईवे से कनेक्ट कर दिया है। बट उसकी वजह से गाइस बहुत ट्रैफिक जाम हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे कुछ अल्टरनेट रोड बना दूँ मैं, तो एक रोड यहाँ पे बना देते फिर, एंड देन वेयर शुड वी कनेक्ट दिस ओवर हेयर, हाँ इससे कनेक्ट कर दिया, तो अभी ट्रैफिक का थोड़ा सा इशू में भी सॉल्व हो जाना चाहिए। अभी वहाँ से गाड़ी किधर आ रही है, यहाँ पे कोई गाड़ी आ रही है? अबे ये लोग क्यों नहीं आ रही यहाँ पहलू? अबे यहाँ पे तो ये बना दिया ना मैंने, फिर भी गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं आ रही है। एक सेकेंड, देन में भी मुझे इसको हटाना पड़ेगा। हाँ अभी ये लोग जाएंगे इस तरफ, चलो अभी इधर जाओ। ओके अभी थोड़ी गाड़ियाँ इधर जाने वाली है, अभी यहाँ से ये यहाँ पे आएगी तो ट्रैफिक में भी जाम नहीं होगा। बट यहाँ पे तो गाई ऑलरेडी बहुत ट्रैफिक हो रहा है, अभी यहाँ पे ये वन वे इस तरफ जा रहा है, तो ये गाड़ियों को घूम के सिटी के अंदर आना पड़ेगा ना ऐसे, या ऐसे ये इस तरफ जा सकती है मेरे हिसाब से। देखते भी क्या हो रहा है, अभी गाड़ियाँ सीधा रोड से यहाँ पे आ सकती है। ये ट्रैफिक मैनेज करना इस गेम में सबसे डिफिकल्ट काम है, कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक हो रहा है, और ये सिटी में भी एक बार यहाँ पे देखते हैं। ओ यहाँ पे तो भाई ओ भाई बहुत बड़ा जाम लगा है गाइज, वेट ओ दैट्स व्हाई मे बी लोग मर रहे सिटी में, मल्टीपल प्रॉब्लम्स भाई, लोगों को बहुत बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं।
ओ भाई मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था यार, ये तो प्रॉब्लम हो गया, बहुत गंदा वाला इशू हो गया। अभी यहाँ पे भी ट्रैफिक इशू, यहाँ पे भी गाड़ियाँ आ रही है यार, रुक रही है। अभी ये तो मेन हाईवे ना, हाईवे पे भी अगर ट्रैफिक जाम होगा तो कैसे चलेगा। वेट देन अगेन, फिर से एक बार यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अगर इस बार मैंने कनेक्ट किया अंडरग्राउंड यहाँ पे, ओके अंडरग्राउंड यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। ओके अभी ये भी मैंने अंडरग्राउंड कनेक्ट कर दिया है, लेट्स गो। अभी यहाँ पे क्या होता है, गाड़ियाँ किधर जाती है मुझे ये देखना है। गाड़ियाँ थोड़ी इधर जानी चाहिए और थोड़ी सी इधर जानी चाहिए, तब ट्रैफिक। अबे सारी एक ही डायरेक्शन में जा रही है। वेट 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 वेट, एक सेकेंड, ये उल्टा हो गया, ये डायरेक्शन, ये हाईवे है ना, हाईवे का डायरेक्शन हमको सीधा बनाना पड़ेगा। अभी ठीक है, अभी कुछ गाड़ियाँ इधर जाएगी, लेट मी सी, और कुछ गाड़ियाँ इधर जाएगी। सारी अभी फिर से एक बार सारी गाड़ियाँ उधर जा, अभी इधर जाओ यार, इधर क्यों नहीं जा रहे लोग। भाई समझ नहीं आ रहा मुझे ये क्या इशू हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे नॉर्मल रोड बना दिया तो मतलब वन लेन छोड़ के, एक काम करता हूँ, ये वाला जो लेन रहेगा ना उसको मैं नॉर्मल लेन बना देता हूँ, ठीक है। ये रोड को यहाँ से मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं एक नॉर्मल लेन बनाता हूँ इनके लिए, ताकि लोग नॉर्मली जा सके, ठीक है। ये भी हटाना पड़ेगा मुझे, ये ऊपर है, इसको भी हटाते, और यहाँ पे मैं एक नॉर्मल लेन बनाता हूँ। नॉर्मल लेन अगर बना दिया तो लोग इजीली आ जा पाएंगे ना। या ये नॉर्मल लेन है, अभी नॉर्मल लेन है तो नॉर्मल लेन से भी आओ यार, सभी लोगों को उधर ही जाने का है, ठीक है भाई, उधर जाना है तो जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ये मतलब ये नॉर्मल लेन है तो नॉर्मल का कोई इशू नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। या अभी गाड़ी इधर उधर आ रही है, लेट्स गो, सही है। और अभी ये इससे कनेक्ट हो गया, हाँ अभी ठीक है। और ये भी यहाँ से मुझे वन वे ही बनाना पड़ेगा, नहीं ये इसको टू वे बनाते, ठीक है, ये वाला टू वे रहेगा क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ हैं ना, दैट्स वाई। या ये मैंने टू वे बना दिया, तो अभी गाड़ियाँ इधर उधर जा सकती है। और ये वाला भी इंटरसेक्शन, भाई एक सेकेंड, ओ यहाँ पे तो भाई इतनी लंबी लाइन क्यों लगी है, मे बी ये सिग्नल्स की वजह से। गाइज बहुत बड़ा गंदा वाला जाम हो रहा है सिटी में, ओह नो, वेट 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 वेट, काम करता हूँ देन। अभी इनके लिए फिर मैं यहाँ पे ऐसे ऊंचा रोड बना दूँ, ऐसे ऊपर ब्रिज आएगा ये, हाँ ये बनाता हूँ मैं इनके लिए, और ये सीधा इससे कनेक्ट होगा यहाँ पे ऐसे। मैं कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश तो कर रहा हूँ एटलीस्ट, एक हाँ ये इससे, हाँ इससे, ओके इससे मैंने कनेक्ट कर दिया। तो भाई ये अभी इधर जाओ यार, इधर से भाई लोग पागल है क्या, क्यों नहीं जा रहे यहाँ से। मे भी ये ट्रैफिक रूल्स की वजह से, इसको हटा दूँ मैं फिर, ओके इसको हटा दिया, तो भाई इन लोगों को इधर से जाना पड़ेगा ना। चलो इधर से जाओ, अभी अभी साड़िया का, हाँ अभी सारी गाड़ियाँ ऊपर से आएगी इधर, हाँ ठीक है। अभी अल्टरनेट रोड मैंने बना दिया है तो मे भी ट्रैफिक का इशू ज़्यादा अभी नहीं होने वाला है। बहुत हद तक गाइज मैंने ट्रैफिक का ना इशू थोड़ा बहुत सॉल्व करने की कोशिश करी है, जो कि सॉल्व हो चुका है। और एक बार अपनी रैंडम सिटी के ऊपर देखते हैं यहाँ पे क्या इशू हो रहा है। पॉपुलेशन यहाँ की बहुत कम बढ़ रही है यार, आई डोंट नो वाई। मतलब एक्सेस तो मैंने कर दिया ना उसको पूरी सिटी से, यहाँ पे काफ़ी बाकी लोग भी आ रहे हैं। वेट आई थिंक मुझे यहाँ पे मेट्रो स्टेशन वगैरह बनाना पड़ेगा, ट्रेन स्टेशन वगैरह, क्योंकि यहाँ पे लोग ही नहीं आ रहे यार। हाँ मे बी वही इशू हो सकता है। तो हाँ एक हमारा मेट्रो स्टेशन यहाँ पे है, तो हमारी ये सिटी के लिए भी एक मेट्रो स्टेशन चाहिए, तो ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ जहाँ से ट्रेन्स आएंगी। ये ट्रेन का रूट बनाना थोड़ा सा काइंड ऑफ मुश्किल होता है। यहाँ पे बनेगा ऐसे, वेट यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ऐसे बन सकते हैं। मैं भी तो यहाँ पे मैंने एक मेट्रो स्टेशन बना दिया है, और अभी सीधा ये मेट्रो रूट से हम कनेक्ट कर देंगे इसको, एंड कनेक्ट, ओके इसको भी कनेक्ट कर दिया। अभी बस मुझे रूट फिक्स करना है ट्रेन का, मेट्रो का रूट फिक्स कर देते हैं। ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट हो जा भाई। ये तो ऐसे करते ना, ट्रैक करके लाइन इधर, अरे कनेक्ट नहीं हो रहा है, लेट मी सी व्हाट्स द इशू। और यहाँ से बस इसको ऊपर निकालना है, पेज अप, ओके एंड कनेक्ट, ओके कनेक्ट हो गया। मैंने अल्टरनेट इसका एक रोड बना दिया है, तो मे भी अभी यहाँ पे मेट्रो का रूट क्रिएट हो जाएगा। लेट्स क्रिएट द रूट, ओके हो गया, देखा ये यहाँ पे पूरी लेन रहेगी, लेट्स गो। अभी ये सिटी से भी यहाँ पे लोग आएंगे, ओके, अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें हो रही है। यहाँ पे एक हेल्थ केयर बनेगा, और एक बड़ा सा हॉस्पिटल भी चाहिए, लेट्स गो, हॉस्पिटल भी बना दिया इन लोगों के लिए। एंड ये क्या चीज़ है, ये एल्डर केयर यहाँ पे आई थिंक ज़रूरत नहीं है, और मैंने यहाँ पे सेमेट्री तो ऑलरेडी बना दिया, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, जो कि यहाँ पे, लेट्स गो। आई थिंक अभी यहाँ पे लोग अच्छे तरीके से रहेंगे। पॉप टाउन में क्या हो रहा है, पॉप टाउन में भी बहुत सारे सिटीजन सिख है, और लेट मी सी क्या सीन चल रहा है। पॉपुलेशन कितनी है पॉप टाउन की, 8,000 लोगों की पॉपुलेशन है, बट यहाँ पे भी लोग गाइस बहुत ज़्यादा सिख हो रहे हैं। ओह नो, अभी भी तो मैंने कैपेसिटी बढ़ा दी है ना हेल्थ केयर की, तो भाई अगर इन लोगों को एक और हॉस्पिटल यहाँ पे मेडिक्लिनिक वगैरह चाहिए तो मैं बना देता हूँ। मेडिक्लिनिक बनाने के लिए मुझे किसी घर को ऐसा हटाना पड़ेगा, ये वाला घर हटेगा तो यहाँ पे एक मेडिक्लिनिक बनेगा, और यहाँ पे भी एक चाहिए तो यहाँ पे भी एक छोटा सा मेडिक्लिनिक बनेगा। ओके कैपेसिटी बढ़ गई हमारी हिल कैपेसिटी,
डेथ केयर भी यहाँ का अच्छा खासा है। सो भाई काफ़ी सारे लोग मर गए, 16,000 लोगों की गाइस डेथ हो गई है। ओके गाइस, तो धीरे धीरे हमारी सिटी काफ़ी अच्छी तरीके से रन हो रही है एंड हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। नहीं एक सेकेंड, गार्बेज इज फिल्ड अप, वेट वेट वेट, न्यूक्लियर पावर प्लांट को थोड़ा सा गार्बेज का इशू हो रहा है तो गार्बेज का डंप यहीं पे लगा देते फिर यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे लगनी। ओके वेट, अरे यहाँ पे ये लाइन टूट जाएगी ना, एक सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो भाई ये ले ले यहाँ से। हाँ ओके ठीक है, अभी ठीक है। एंड इसके लिए गार्बेज को रिसाइकल करने के लिए यहाँ पे ये भी तो होना चाहिए। लेट्स गो, फाइनली इसका भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। ओके ऑपरेटिंग नॉर्मली करना चाहिए, नॉट ऑपरेटिंग नॉर्मली, ओके या ऑपरेटिंग नॉर्मली, अभी ये नॉर्मली ऑपरेट कर रहा है तो यहाँ का गार्बेज का भी इशू सॉल्व हो जाएगा। इसमें ऑयल आ रहा है, इसमें और ट्रक आ रहा है, ये वाला ट्रक कौन सा है, ये वाला भी आई थिंक, अरे रुक जा भाई अभी, हाँ ये वाला भी और ट्रक है, ये वाला भी और, ओ सारा का सारा और ही आ रहा है, ये फॉरेस्ट्री ट्रक है, फॉरेस्ट्री ट्रक, ओल्ड ट्रक, ट्रैक्टर है, इसके अंदर कुछ लोड आ रहा होगा, ये वैन है छोटी सी, ये भी ओल्ड ट्रक है, ये इसके अंदर भी ओर है एंड इसके अंदर भी ऑयल है। ओके तो इन लोगों का इशू सॉल्व हो जाएगा थोड़ी देर में एंड ये सारे के सारे ट्रक सीधा फैक्ट्रीज के अंदर चले जाते हैं। रैंडम सिटी में गाइस अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़े से ना पार्क्स वगैरह बना दूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे अभी तक मैंने कुछ भी बनाया नहीं है। बास्केटबॉल कोर्ट रहेगा रैंडम सिटी में यहाँ पे, लेट्स गो, एक बास्केटबॉल कोर्ट बना दिया। अभी सारी की सारी चीज़ें एक एक करके मैं बना देता हूँ। बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउंसिंग पार्क बना दिया है, तो जहाँ पे अभी बच्चे भी आके खेल सकते हैं, तो बच्चों को भी खुश करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देखा, बिल्डिंग्स ने अपडेट करना शुरू कर दिया भाई, काफ़ी सही लग रहा है। अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, यहाँ पे भी बिल्डिंग्स अब अपग्रेड हो रही है, नई 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 बिल्डिंग्स बन रही है एंड थोड़ा सा रेसिडेंशियल जोन्स का डिमांड फिर से एक बार बढ़ रहा है। बट या ऑलरेडी मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे मार्क कर दिए तो लोग आके बना ही देंगे, उसका कोई इशू नहीं है। इनको क्या इशू हो रहा है, नॉट इनफ गुड्स टू सेल, ओ गुड्स नहीं है इनके पास इनफ गुड्स, तो वो कौन लेके आता है इनफ गुड्स भाई, है ना। ये अलग अलग इनके इशू, मतलब प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जा रहे, कम तो होने का भाई कोई नाम ही नहीं ले रहा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। रुको भाई थोड़ी देर के लिए, ये फैक्ट्रीज से कार्स आ रही है तुम्हारा सामान लेके, ये जो वैन है ना गाइज वो अभी अभी कार्गो हार्बर से आई है और वो ये वाले शॉप में जा रही है, मे बी गुड्स प्रोवाइड करने के लिए, या ये कार यहाँ पे चली गई और यहाँ का जितना भी लोड था ये इस शॉप को मिल गया। हाँ दैट्स इट, दैट्स इट, हमको ज़्यादा से ज़्यादा कार्गो हार्बर्स बनाने पड़ेंगे, इसका मतलब है तभी लोगों को जो गुड्स वगैरह है उनको जो चीज़ें बेचनी है वो उनको मिल सके। एंड देखते देखते देखो भाई हमारी सिटी कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है। और आज के एपिसोड में तो भाई हमने पूरा का पूरा एक नया सिटी बना दिया जिसका नाम है रैंडम सिटी, और इसकी पॉपुलेशन 1,000 लोगों की हो गई इतनी जल्दी, बहुत बहुत, आई मीन धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसको पानी का इशू आ रहा है भाई, एक ही बंदे का घर था यहाँ पे, ठीक है इसको पानी दे दिया। तो आज हमने ये वाली सिटी बनाई रैंडम सिटी, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना दिया भाई, कहाँ पे गया वो पावर प्लांट, और वो काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। सो विल दैट बीइंग सेड गाइस, आज के लिए बस इतना था, आई होप आपको बस नया होगा। और आज हमने भाई एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है एंड एक नई सिटी बनाई है जिसका नाम है रैंडम सिटी। और नेक्स्ट वाले एपिसोड में मैं सोच रहा हूँ कि हम सिटी को थोड़ा सा और एक्सपांड करेंगे, और मुझे ये बाकी की जो लैंड है ना ये वाले आसपास की उसको परचेस करना है, बट उसका एक्सेस अभी तक मेरे पास आया नहीं है। तो नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम थोड़ी सी और डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे एंड ये जो नई नई बिल्डिंग्स वगैरह है ये भी अभी यहाँ पे काफी सारी ये क्लाइमेक्स वगैरह अनलॉक हुआ है, ये लॉन्च साइट यहाँ पे में भी रॉकेट्स वगैरह लॉन्च होते हैं, तो ये भी हम नेक्स्ट वाले एपिसोड में बनाने की कोशिश करेंगे, ट्रांसपेरेंट पावर, बहुत सारी चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, गुड बाय।